आजमगढ़ शहर में महाराजा अग्रसेन जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा सजीव झांकिया रही आकर्षण का केंद्र। सोमवार को श्री अग्रवाल हितकारी न्यास ट्रस्ट अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला और श्री अग्रसेन महिला मंडल के तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल 5 झांकियों में स्वच्छता पर आधारित झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर अग्रवाल समाज द्वारा विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत समाज के सभी संस्थाओं पर सुबह से ही हवन पूजन आदि कार्य संपन्न कराए गए। शाम में श्री अग्रसेन चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शंकर जी फव्वारा मुख्य चौक पुरानी कोतवाली जामा मस्जिद होते हुए पुरानी सब्जी मंडी होकर श्री अग्रसेन इंटर कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई, जिसके बाद विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शोभा यात्रा में महाराजा अग्रसेन की झांकी के साथ ही माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी व राधा कृष्ण की झांकी शामिल थी। वहीं स्वच्छता पर आधारित झांकी लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी रही। विवेक अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष इस जयंती को हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कहा कि अग्रवाल समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को बढ़ावा देने और समाज में समानता रखने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक अग्रवाल, सुदर्शन दास अग्रवाल, शशिभूषण अग्रवाल, सुनील कुमार अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, अजय अग्रवाल, ऋत्विक जायसवाल, राजेश अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल और लता अग्रवाल, छाया अग्रवाल, मीरा अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हर वर्ष जो है उनकी जयंती इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं और एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग एक ये शोभा यात्रा अग्रसेन महाराजा अग्रसेन चौक से उठाते हैं और शंकरी मूर्ति चौक, पुरानी कोतवाली, जामा मस्जिद होते हुए सब्जी मंडी होते हुए वापस में इंटर कॉलेज समाप्त कर देते हैं। किस तरह से इन्होंने समाज के लिए उत्थान में कार्य किया? महाराजा अग्रसेन को कौन नहीं जानता, उनका तो योगदान बहुत बड़ा योगदान है हम लोग के लिए। जो है हम लोग एक वंशज हैं और बाकी उनका एक ही नाता, एक ईट एक रुपये, जो भी हमारे समाज के जो कुछ नहीं कर पाते, जो गरीब हैं उनको एक रुपये और एक ईट देख कर उनकी सहायता की जाए तो वो अपना कारोबार में लगाते थे और जब भी उनका कारोबार बढ़ जाता तो सबको उसी तरह एक ईट और एक रुपये।